प्रोफेसर मनोज कुमार झा। शुक्रिया शुक्रिया एक सेकंड। शुक्रिया सर, संभवतः आज मैं आखिरी बार आपके लिए संबोधन का इस्तेमाल कर रहा हूँ माननीय सभापति महोदय। अगर कल हाउस चलेगा परसों तब भी मैं नहीं होऊंगा, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। मेरे से पहले से वक्ताओं ने सर आपके जीवन संघर्ष, आपकी उपलब्धियों के बारे में बहुत चर्चा की है। मैं उनसे बेहतर नहीं कर सकता, अतः मैं उस पृष्ठभूमि को, उस पन्ने को किनारे रखता हूँ। सर, आपके समक्ष पहले भी कहा है कि अलविदा का क्षण, विदाई का क्षण, फेयरवेल का क्षण बहुत आसान नहीं होता है किसी के लिए। कल को कोई और वहाँ बैठेंगे, आई बॉल्स को भी एडजस्ट होने में वक्त लगता है, व्यक्ति को सामंजस्य बिठाने में वक्त लगता है, तो वो दिक्कत परेशानियाँ होंगी, वो अपनी जगह है। सर सर, मैं 3 अप्रैल 2018 को इस सदन में आया, आपने मुझे सबसे पहले वक्त की कीमत बताई। 3 मिनट का वक्त होता था, तभी हम 4 सदस्य थे। आप कहते थे योर टाइम इज अप। सर, आपका ये प्रभाव मुझ पर पड़ गया है कि अब मैं 50 मिनट की क्लास के लिए जाता हूँ यूनिवर्सिटी में, तो 3 से 5 मिनट के बाद देखता हूँ कि कहीं आप ये ना कह बैठे योर टाइम इज अप। मैं ये सचमुच आपने कर दिया है मेरे साथ सर, वो 3 मिनट 5 मिनट का टेम्पलेट सा बन गया है अंदर आपकी वजह से। सर, और एक चीज और भी आप कहते थे, इसके आगे कुछ रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा, तो वो भी दिमाग में होता है कि अब आगे रिकॉर्ड पे ही नहीं जा रहा। सर, मैं इस अवसर पर एक कविता जो अशोक वाजपेयी ने विदा नाम से लिखी थी, मैं आपके समक्ष आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। तुम चले जाओगे पर थोड़ा सा यहां भी रह जाओगे, जैसे रह जाती है पहली बारिश के बाद हवा में धरती की सौंधी सी गंध, भोर के उजास में थोड़ा सा चंद्रमा, खंडहर हो रहे मंदिर में अनसुनी प्राचीन नुपुरों की झंकार। तुम चले जाओगे पर थोड़ी सी हंसी, वो आपका ट्रेडमार्क, थोड़ी सी हंसी, आंखों की थोड़ी सी चमक, हाथ की बनी थोड़ी सी कॉफी जो अक्सर अंदर मिला करती थी, यही रह जाएंगे प्रेम के इस सुनसान में। तुम चले जाओगे पर मेरे पास रह जाएगी प्रार्थना की तरह पवित्र और अदम्य तुम्हारी उपस्थिति, छंद की तरह गूंजता तुम्हारे पास होने का एहसास। तुम चले जाओगे थोड़ा सा यही रह जाओगे। सर, ये समय की शिला पर मधुर लेखे कितने किसी ने मिटा बनाए, किसी ने मिटाए, ये रहेगा। एक चीज जो आपसे सीखी मैं कहना चाहता हूँ, हम सब अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं सर, वैचारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि, बहुत शिद्दत से एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन बीएससी की मीटिंग्स में आप अक्सर कहा करते थे डोंट स्टॉप कन्वर्सेशन। मुझे अपील करनी है आज की इस ओकेजन पे कि संवाद की ये परिपाटी खत्म ना होनी चाहिए, और कभी सर डाइनिंग टेबल पर बैठ के ये मत कह दीजिएगा द हाउस इज एडजर्न टू मीट एट 12 PM। थैंक यू सो मच सर। सभापति महोदय, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। सभापति महोदय, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, फिर हम यहाँ क्या करेंगे? आपने हमें विश्वास दिया है, आपने हमें इतना विश्वास दिया है कि हम किसी को नहीं डरेंगे। आपने हमें इतना विश्वास दिलाया है कि हम किसी को नहीं डरेंगे, और 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी जी नहीं हारेंगे। आपने मुझे मौका दिया हर बार, आपने मुझे मौका दिया हर बार, इसलिए मैं करता रहा कांग्रेस पर वार। आज मत करिए, आप कभी नहीं मानने वाले हैं हार, आप कभी नहीं मानने वाले हैं हार, इसलिए आप आइए फिर एक बार। जो आते थे बार बार वेल, जो आते थे बार बार वेल, उनको सस्पेंड करके आपने उनका बंद कर दिया था खेल। कांग्रेस वाले तो आपके सामने हो गए हैं फेल, कांग्रेस वाले तो आपके सामने हो गए हैं फेल,
इसलिए अभी वो नहीं आएंगे बेल। चलो पार्टी को छोड़िए, मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि आपका अंदाज बहुत अच्छा था, आप सभी लोगों को साथ में लेकर चलते थे। आप गड़बड़ करने वालों को मतलब एक मिनट के अंदर हाउस एडजर्न करते थे, उनको ज्यादा हंगामा करने का मौका भी नहीं मिलता था। लेकिन ठीक बात है कि आप एक स्टडीड थे, आप हाउस चलाने के बारे में बहुत ही अच्छा आपका अनुभव रहा। 5 साल तक आप हमारे साथ रहे और सभी मेंबर को आपने मौका देने का काम भी आपने किया है। टाइम कम होने से हमें भी, मैं जब बोलता था तब आप बेल बजाते थे, मैं बोलते रहता था। और लेकिन हर बहुत बार आपने मुझे भी मौका दे दिया है। मेरी पार्टी जो रिपब्लिकन पार्टी है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, संविधान निर्माता की पार्टी है, इस पार्टी के तरफ से मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। लेकिन हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको हमेशा बुलाते रहेंगे, आपका स्पीच सुनते रहेंगे। ये इस हाउस में तो आपका स्पीच हमने बहुत बार सुना है, लेकिन बाहर भी हम आपको हमेशा बुलाएंगे और आपका मार्गदर्शन हम लेते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आपने हाउस बहुत अच्छा चलाया, इसीलिए आपको शुभकामना देता हूँ। जय भीम, जय भारत। इस सदन में जब मैं आया तो मेरे पहले चेयरमैन के रूप में जब मैंने अपने संसदीय जीवन की शुरुआत करी, मैं सदैव आपको याद रखूंगा सर। और ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं अपने संसदीय जीवन की शुरुआत करी तो आपका संरक्षण मुझे प्राप्त था। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य भी है सर कि एक ही सत्र सिर्फ आपके संरक्षण में काम करने का मौका मुझे मिला सर। इसी के साथ साथ सर, जिस दिन मेरी ओथ थी उस दिन आपने मुझे एक पंक्चुअलिटी का बड़ा अहम पाठ पढ़ाया था। मुझे याद है करीब 11 बजे का समय था और क्योंकि मैं अपने माता पिता के साथ सुबह पहले गुरुद्वारे गया, मत्था टेका, ट्रैफिक भी था तो आने में मुझे 8-10 मिनट देर हो गई। तब तक शपथ ग्रहण समारोह जो था वो समाप्त हो गया, आप मुड़कर वापस भी चले गए, लेकिन फिर मेरी रिक्वेस्ट पर आप वापस आए, आपने पंक्चुअलिटी का एक पाठ मुझे पढ़ाया और उसके साथ साथ मेरी ओथ भी आपने ही कराई थी सर। इसके साथ साथ बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपकी भी जो जर्नी रही, जो यात्रा रही, वो कहीं ना कहीं हम लोगों की यात्रा से मेल खाती है। आप भी जयप्रकाश नारायण साहब के जो एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन रहा उसके एक समिति के अध्यक्ष रहे, हम भी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जन्मे, हमारी पार्टी, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी, तो एक समानता मैं आपके साथ आपके जीवन से ड्रॉ करता हूँ। इसी के साथ साथ सर, आपकी जो एक जर्नी रही, एक आपकी सर, आपकी जो जर्नी रही वो हम सारे युवाओं के लिए खास करके एक प्रेरणा स्रोत है। एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर एक विधायक, सांसद, मंत्री और फिर उपराष्ट्रपति के तौर पे आपने अपना सर कार्यभार संभाला। और मैं बस अंत में इतना कहूँगा कि राज्यसभा का पहला सत्र जब 1952 में हुआ तो उस समय के जो चेयरमैन थे डॉक्टर राधाकृष्णन साहब, उन्होंने एक बात कही थी, मैं वो पढ़ के सुनाऊंगा सर। आई बिलोंग टू नो पार्टी एंड दैट मीन्स आई बिलोंग टू एवरी पार्टी इन द हाउस। इट शैल बी माई एंडेवर टू अपहोल्ड द ट्रेडिशंस, द हाइएस्ट ट्रेडिशंस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड एक्ट टूवर्ड्स एवरी पार्टी विथ फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी, विद इलविल टू नन एंड गुडविल टू ऑल। आपने सर उस सारे शब्दों को सार्थक किया है। मैं आपको अपना सफल कार्यकाल समाप्त करने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राघव, मेरे ख्याल से प्यार एक ही होता है ना, एक बार दूसरी बार तीसरी ऐसा होता है नहीं ना, पहला प्यार ही होता है ना। मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ सर, अभी जीवन में इतना अनुभव नहीं हुआ, लेकिन अच्छा होता है सर जितना समझाया है। हाँ, पहला प्यार अच्छा होता है, वही प्यार हमेशा रहना है जिंदगी भर।